హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్ ట్రెండింగ్ ఫ్యాషన్. ఆజ్ హమ్ బనానా సీఖేంగే బ్యూటిఫుల్ సా ఏక్ నెక్ డిజైన్. గైస్ ఈ దేఖియే గైస్, ఇస్ బుక్రమ్ పర్ హమ్ అప్నీ లంబాయి చౌడాయి కే హిసాబ్ సే నిశాన్ లగా లెంగే. హమే కితనా లంబా రఖనా హై, కితనా చౌడా రఖనా హై, అప్నే హిసాబ్ సే ఇస్ తరహ సే डिज़ाइन बना लेंगे और इसको ऐसे कट कर लेंगे. ये हमने अच्छे से पूरी तरह से कट कर लिया है. ये देखिए, अब इसको हम कपड़े पे अच्छे से सिल लेंगे. जैसे नॉर्मल गला हम लगाते हैं उसी तरह से हम अच्छे से इसको पहले गला बना लेंगे. जैसे नॉर्मल सूट का बनाते हैं गला, इसी तरह से इसको अच्छे से सेट करके हम इसको अच्छी तरह से सिलाई करके ये देखिए हमने इसको अच्छे से सिलाई करके बना लिया. और हम बीच से कट कर देंगे इसको. ये छोटे छोटे कट लगा देंगे इसमें ताकि इसको पलटने में अच्छे से ये फिनिशिंग से आ जाएगा. अब इसके किनारे से हम एक एक सिलाई लगा लेंगे. देखो ये हमने सिलाई लगा ली और बारीक बारीक सी इसमें पाइपिंग भी बाहर निकाल दी हमने. अब इस पट्टी के ऊपर ये डोरी से हम ये लूप भी लगा लेंगे बटन डालने के लिए इसमें, ताकि इसमें हम बटन डाल सकें. इस तरह से हम पहले इस पट्टी पे ये सारी ऐसे मोड़ मोड़ के पूरी लगा लेंगे. इस तरह से गोल गोल करके लगा लेंगे पूरी पट्टी में. ये देखो हमने लगा लिया है. और अब हम इसके इसको इसके ऊपर रख के एक तरफ से सिलाई लगाएंगे. इस तरफ से यहाँ से सिलाई लगा देंगे. देखो पूरे में हमने सिलाई लगा लिया है इसमें. और इसको इस तरह से करके ताकि यहाँ पे हमारे बटन लग जाएंगे अब इसके ऊपर. और अब हम इसमें कॉलर लगा लेंगे दोनों साइड से बराबर बराबर छोड़ के. और अब हम इसको पूरे को नाप लेंगे. ये हमारा पूरा नाप लिया और ये कॉलर कट कर लिया. कॉलर हमने रेडी कर लिया. अब इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे. इस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से. ये खड़ा कॉलर इसमें हमने लगाया है. ये देखिए कितना अच्छे से हमारा कॉलर लग गया. ये देखिए गाइस कितना अच्छे से हमारा गला बन के तैयार हो गया. ये देखिए कितने अच्छे से ये सब हो गया. और अब इस पे हमने ये बटन लगा दिए. ये बन के रेडी हो गया. और गाइज हमने इस पे बाजू पे भी दो बटन लगाए. बाजू का भी गले के जैसा डिज़ाइन बनाया है.
गले से मैच करके ही बाजू बनाया। बाजू पे भी दो दो बटन। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।